सो गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। यह कल आपको दिखाया था बेम्बू जो आ गया बोल के, और आज बन रहा है गेट और बेड़ा बाउंड्री बन रहा है। सो मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा। उसके बाद में आज मौसम बहुत मजा है, आप देख सकते हो। ये जो बाउंड्री है आपका, टाइम लगेगा ये बनने में, और इसको तो हम बाद में धीरे से भी बना लेते हैं लेगा, बट ये जो है मेन वाला बाउंड्री जो बाहर से गाय वाय सब घुस जाता है, तो इसको बनाना है। सो अभी भैया लोग आया है, इसको बना रहा है, और यहाँ में गेट भी बनाएगा बोल के बोला ये वाला पोर्शन में। सो इसको भी बनाएगा। अभी सुबह से पहुँच गया था भैया लोग, और कार टूट के इतना तक रेडी भी कर लिया, और अभी शाम तक उधरी लगे हो जाबो ना, हो जाबो ना, बढ़िया शाम तक हो जाएगा बोल के बोल रहे। सो गाइस बाहर जाके आया था, मालूम नहीं मेरा पसीना इतना निकल रहा है, थोड़ा प्रेशर जो थोड़ा उठ रहा है क्या, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जवान लड़का है। और यहाँ में मेरे लिए ब्रेकफास्ट निकल रहा है, उसके बाद में साइड में बाहर भी जाना है, क्या काम चल रहा है वो थोड़ा देखना भी है। सो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर जाके देखते हैं चल क्या रहा है। के गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम दोनों करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। सो मैं अभी अंडा पोस्ट बना रही हूँ इनके लिए। ये रहा मेरा पोस्ट। धीरे धीरे हर चीज़ ठीक होता है, पहले बाउंड्री जो ठीक कर लेगा, उसके में किचन भी धीरे धीरे करना है हर चीज़। और दोनों के पास में पैसा भी टोटली खाली है, क्योंकि वहाँ से आया शिफ्ट हुआ, इधर उधर सामान वामान वो सब कर रहा है, तो जैसे तैसे एडजस्ट करके चल रहे दोनों। सो गाइस, और आजकल हम लोग का व्यूज़ भी थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा आप जोर लगाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, आप लोग वीडियो में बने रहो। सो फ्रेंड्स, ये बन रहा है गेट, आप लोग भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकता है, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, बट ये गेट ही बन रहा है। कैसा बनेगा ये गेट जो, आपको धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा। अरुणाचल स्टाइल बेम्बू का क्या क्या बनता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये इतना बन के हो गया तैयार, यहाँ पे और थोड़ा चाहिए तो वो काट रहा है, और दो पीस जैसा जाएगा होगा, ये होगा हम लोग का गेट। अनदर लेवल ऑफ टैलेंट, ये जो बेम्बू लगा के रखा है वहां पे बनेगा ये गेट। जो पोस्ट लगा दिया, इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, देखते हैं शाम तक कैसा बनता है। ये हो गया बनके तैयार, और यहाँ में तार भी अच्छा से बांध दिया इसको, हो गया ये पूरा टाइट लॉक। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे बम्बू को अच्छा से काट लिया है बाउंड्री बनाने के लिए। पहले ऐसा वाला बेड़ा बनाने का सोच रहा था, जो अभी ये थोड़ा सा पीस बच गया है, बट उतना बेम्बू नहीं है हम लोग के पास में, ओनली 10 पीस बेम्बू है। सो इतना सा बेम्बू से नहीं बनेगा, इतना लंबा बाउंड्री है, तो ये जो हम लोग का बॉक्स वाला जो बेरा बनता है वो वाला बनाएगा बोल रहे, जितना बेम्बू है उसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो हमको सिर्फ बुलाते रहते हैं, तो क्या के लिए बुला रहे रे, हाँ अंदर बाहर कराते रहते हैं। ओ, चाय के लिए बुलाया है, आप पिएगा? नहीं पिएगा, हम खुद नहीं पिएगा, वो किसके लिए चाय, ओ दोनों के लिए, दिमाग तो है लड़की का, काम कर रहा है। सो गाइस, वो लोग को चाय पिला देगा सोच रहा है, बटरफ्लाई जो सोच रहा है, मतलब बन ही गया उन लोग का चाय। चाय फैलो, यहाँ डालो,
की बनाए से लाल सा बनाए से आराम से बटरफ्लाई जो पूछ रहे गाड़ी पार हुआ कि नहीं होगा आराम से पार हो जाएगा क्या हो गया रे जा 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 किचन ते जा आलू और अंडा बॉयल करो जा क्या नाच रहा है तुम आगे आगे बर्तन धोना है तो बर्तन धोना तुम कहाँ है बेड़ा बनाने के लिए पानी डाल दो ऊपर से वो पानी नहीं आ रहा है ना ऊपर से गाइस यहाँ में बर्तन धुलाएगा बटरफ्लाई जो अभी जाओ लेके आओ जा पानी नहीं आ रहा है ना पाइप में इसलिए वो अंदर से भुगना पड़ेगा क्या यहाँ क्या धुलाओ देखो देखो गाइस बर्तन को चमकाने के लिए आ गया है तितली ओए थोड़ा धीरे धीरे मलो कलर निकल जाएगा वो क्या हो गया रे बात कुछ भी नहीं कर रहे क्या क्या बात करने के लिए मूड भी होना जरूरी है क्या बदन जो अच्छा नहीं लग रहा है ना तुम सुबह से क्या कर रहा था रे हाँ 10 बजने वाला हो गया बर्तन नहीं धुला है अभी तक पानी भी तो होना पड़ेगा पानी को वेट कर रहा है पानी आया है नहीं पानी 5 बजे से 9 बजे तक आता है तो 10 बजे बर्तन धुलाएगा उनसे थोड़े होगा ऐसा नहीं है गाइस वो सुबह से घर संडे है तो घर साफ कर रहा था तो उस वजह से लेट हो गया जब तक वो बर्तन धुलाएगा सोचा तब तक पानी चला गया पानी आएगा अभी 2 बजे ऐसे स्टॉक में वाटर है क्या बजे है मैडम पानी 2 बजे तो वो पानी से एडजस्ट कर लेगा ऊपर से किचन भी अभी नहीं हुआ ना इसलिए बर्तन धुलाने के लिए भी सो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी ये देखिए इतना क्यूट सा अनार का है ना अनार का ला दिया अनार जूस इसने ला दिया ये इंसान ने ला दिया गाइस ये अभी मैं इसको पीऊंगी और फिलहाल मैं पका रही हूँ खाना यहाँ पे चावल बिठा दिया है और आज हम बना रहे पम्पकिन बॉयल टेस्ट कैसे मजा खरीद के लाओ बोलने राम जूस ला दिया ना हो गया कैसा लगा पी के मजा किसे किसे महसूस हो रहा था बदन में ना लेजी लेजी फील हो रहा था बदन में ना जूस पीने दिल कर रहा था बहुत खराब से मेरे लिए भी हम एक ठू लेके आया ये देखिए आप लोग ये है मेरा और ना गाइस हम एक बात बताना चाहते हैं आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल किसी ने कमेंट किया कि हम दोनों को सिर्फ भूख ही लगती रहती है और क्या हाँ ऑफ कोर्स भूख लगता है तो क्या करेगा ना सब्सक्राइब किया होगा हम लोग का चैनल को ना मालूम नहीं है सब्सक्राइब किया होगा ना इसके लिए बोला होगा कि आप दोनों को तो सिर्फ भूख ही लगती रहती है बोले तो आप सही है यू आर करेक्ट बहुत ज़्यादा भूख लगता है शुरुआत से व्लॉग बनाते आए वो भी खा के या बना के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा चैनल जो है हम दोनों का चैनल जो है माय चैनल इज ऑल अबाउट कुकिंग एंड ईटिंग फिलहाल अभी भी भूख लग रहा है इसलिए मैं खाना पका रही हूँ क्योंकि अभी हो गया है लंच टाइम जिसने शुरुआत से देखते है ना वो लोग को मालूम होना चाहिए कि ये चैनल जो मतलब ओनली कुकिंग एंड ईटिंग का ही कंटेंट देते आए हैं उनके सो आप शायद नया होगा हम लोग का चैनल में आप मेरा चैनल में बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट आप आगे जाके भी हमें ऐसे ही कमेंट करते रहना और या गाइस फिलहाल आई एम प्रिपेयरिंग लंच क्योंकि भैया दोनों आए हैं ना बेरा बनाने के लिए वो दोनों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होगा सो इट्स टाइम टू प्रिपेयर अ लंच फॉर फोर ऑफ अस पम्पकिन बॉयल रेडी हो गया दिस इज आलू फ्राई
और यहाँ पे चार अंडा उबल रहे हैं। खाना तो पक्के रेडी है गाइस। गेट बन के हो गया तैयार और थोड़ा बाकी है, 60% हो गया, 40% और थोड़ा बाकी है, उसके बाद गेट भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद वहाँ पे अभी गड्ढा खोद रहा है बेड़ा जो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, भाई लोग को थोड़ा हेल्प कर देगा। इस साइड में बेड़ा बनाने के लिए भी स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो। कुदरी लगे हो जब ना कुदरी लगे शाम तक हो जाएगा बोल रहा है। क्या कर रहा है बटरफ्लाई? हो गया वो भैया दोनों को खाना खा रहे, वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट करेगा। बटरफ्लाई जो खाना निकाल दिया भैया लोग को, जस्ट अभी लंच का टाइम ऐसे तो पार हो गया, फिर भी भैया लोग को अभी खाना निकाल दिया, तो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। लगभग आपका बेड़ा भी कंप्लीट होने वाला हो गया और हम भी लंच कर लिया, बहुत गर्म से भूख लग रहा था। और वहाँ में बटरफ्लाई फिर से अपना काम में लग गया और यहाँ में आप लोग देख सकते हो वो कोना में थोड़ा बाकी है, जस्ट कम्प्लीट होने वाला ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ में गेट भी हो गया, ट्रेडिशनल गेट जो बेम्बू का बनता है हम लोग का, यहाँ पे वो लगा दिया और ये आप देख सकते हो बाउंड्री, और ये छोटा सा बेड़ा भी लगवा दिया, और जो अभी गंदा है वो सबको बटरफ्लाई जो जमा कर रहा है और सबको जला देगा अभी। और कंपाउंड पहले कैसा था अभी आप देख सकते हो, साफ सुथरा हो चुका है ये टोटली। और गाइस, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, और लास्टली कमेंट भी कीजिए गाइस। अब कमेंट आने से हम लोग अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई देख रहा है बोल के। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।